To watch this video in English, click the link in the top right. जब अंग्रेजों ने भारत के अहम हिस्सों को जीतना शुरू किया, तब यहाँ पर छोटे बटे हुए राज्यों का शासन था। एक समय था जब महान मौर्य, गुप्ता और मुगल साम्राज्यों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर शासन किया था, लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज और भारत पर उनकी कुल विजय के बीच केवल छोटे छोटे राज्य ही खड़े थे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत का आखिरी शक्तिशाली साम्राज्य सिख साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गया था। जीते हुए कुछ राज्यों पर तो अंग्रेजों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था, जबकि कुछ को अंग्रेजों के अधीन रहकर शासन करने की अनुमति थी। इन्हें ही रियासतें अर्थात प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। कहने को तो ये रियासतें स्वतंत्र थी, लेकिन अंग्रेजों ने मंत्रियों और उत्तराधिकार के चुनाव का अधिकार बरकरार रखा। इन राज्यों के राजा काफी हद तक वफादार थे, सिवाय 1857 के विद्रोह के, जब कुछ उत्तरी और पूर्वी रियासतों ने बगावत कर दी थी। भारत की आजादी के समय भारत में 500 से अधिक रियासतें थी। उनमें से कुछ इतनी छोटी थी कि उनमें केवल कुछ गांव थे, जबकि अन्य कुछ रियासतें जैसे कि जम्मू और कश्मीर और हैदराबाद यूरोपीय देशों की तरह बड़ी थी। उन रियासतों के आकार और धन में भिन्नता थी, मगर इन राज्यों के शासक काफी हद तक लापरवाह और पिछड़ी सोच के थे। एक ब्रिटिश ऑब्जर्वर ने 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में लिखा था कि यदि पूर्ण रूप से देखा जाए तो ये रियासतें प्रतिक्रिया अक्षमता और बेलगाम शक्ति का मजमुआ थी, और इस निरंकुश सत्ता का उपयोग शातिर और असमर्थ व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। हालांकि कुछ शासकों ने अपने अधिकार का इस्तेमाल अच्छे कामों को अंजाम देने के लिए भी किया था, जैसे कि 1819 में त्रावणकोर साम्राज्य दुनिया का पहला राज्य बना जिसने की शिक्षा को सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल, मुफ्त और अनिवार्य किया था। आज मॉडर्न केरला की कामयाबी का श्रेय बहुत हद तक त्रावणकोर राज की कामयाबियों को दिया जा सकता है। जूनागढ़ के मोहब्बत खान ने भी एशियाटिक लायंस को विलुप्त होने से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। ये कहना सही होगा कि शेरों की ये प्रजातियां गिर फॉरेस्ट में आज तक उसी के कारण जीवित हैं। हालांकि मोहब्बत खान को कुत्तों को पालने का एक असाधारण जुनून भी था। उसके पास लगभग 2000 प्रजातियों के कुत्ते थे। उसने अपने दो कुत्तों की शादी में 3 लाख रुपए खर्च किए, जो कि उसके राज्य के लोगों की सालाना आय का 1000 गुना था। इत्तेफाक से मोहब्बत खान की मृत्यु 1959 में रेबीज से हुई। आज़ादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन रियासतों को एक नए इंडियन रिपब्लिक में इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स नामी अखबार ने पटेल को लेदर टफ अर्थात पक्के इरादों वाला कहा था। पटेल ने अपना कार्य स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाकर शुरू किया था, जो कि ब्रिटिश राज के पुराने पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का बदल था, जिसने की रियासतों की आज़ादी का समर्थन किया था। स्टेट्स डिपार्टमेंट का नेतृत्व खुद पटेल कर रहे थे और वीपी मेनन विभाग के सेक्रेटरी बने। ये दोनों ही भारत की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। कूटनीति का प्रयोग करते हुए पटेल ने रियासतों के प्रतिनिधियों को दोपहर की दावतों के लिए आमंत्रित करना शुरू किया और उन्हें भारतीय गणराज्य अर्थात इंडियन रिपब्लिक में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सरदार पटेल यह अच्छी तरह समझ रहे थे कि रियासतों को बगावत से रोकने का कार्य उनके फायदे के सौदे से ही किया जा सकता है।
इसलिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया के रूप में इन रियासतों को केवल 3 क्षेत्रों में ही भारत को सत्ता सौंपनी थी, रक्षा, विदेशी मामले और संचार, यानी कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। इसका मतलब यह था कि इन रियासतों को भंग करके भारत में मिला दिया जाएगा, लेकिन उन्हें अपने टाइटल्स, व्यक्तिगत संपत्ति को बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी और साथ ही साथ एक प्रिवी पर्स यानी कि वार्षिक भत्ता अर्थात एनुअल अलाउंस की पेशकश भी की जाएगी। मेनन की गणना के अनुसार जबकि सरकार राजकुमारों को लगभग 15 करोड़ का भुगतान करेगी, 10 वर्षों के अंदर ही अंदर उनके राज्यों से प्राप्त किए जाने वाले रिवेन्यू की कीमत कम से कम इससे 10 गुना अधिक हो जाएगी। भारत द्वारा सैन्य कार्रवाई की धमकी, इन रियासतों में बसने वाले लोगों का गुस्सा और पटेल द्वारा अपनाई गई कूटनीति का मतलब था कि 15 अगस्त 1947 तक 500 से अधिक स्वतंत्र रियासतों को भारत की 14 नई प्रशासनिक इकाइयों अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में इकट्ठा किया गया था। केवल 6 राज्य ही ऐसे थे जिन्होंने इस इंटीग्रेशन या एकीकरण का सक्रिय रूप से विरोध किया था। उनमें से त्रावणकोर, भोपाल, जोधपुर स्वतंत्रता से पहले ही भारत में इंटीग्रेटेड थे और अन्य 3 जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का एकीकरण स्वतंत्रता के बाद किया गया था। त्रावणकोर पहला ऐसा राज्य था जिसने खुले तौर पर घोषणा की थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्रता चाहता था। इस समय त्रावणकोर के क्षेत्र में मोनाजाइट और थोरियम के भंडार की खोज हो चुकी थी जिसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। इस वजह से पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम दोनों ने त्रावणकोर का समर्थन किया। हालांकि त्रावणकोर के लोगों के द्वारा दिए गए दबाव के कारण यह राज्य भारत में सम्मिलित हो गया। भोपाल के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की कोशिश की जबकि भोपाल भारत के ठीक मध्य में था। जोधपुर के महाराजा ने भी भारत के बजाय पाकिस्तान के साथ इस उम्मीद में एकीकरण करने की कोशिश की कि जिन्ना उन्हें भारत से ज्यादा बेहतर फायदा पहुंचाएगा। हालांकि त्रावणकोर की तरह दोनों राज्यों के राजाओं को भारत में सम्मिलित हो जाने के लिए अपनी प्रजा के दबाव का सामना करना पड़ा। बीपी मेनन जब जोधपुर के महाराजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन प्रस्तुत कर रहे थे तो महाराजा ने एक आखिरी ललकार के रूप में अपनी बंदूक निकाली और उसे मेनन के सर पर रख दिया। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने शांत होकर अपने राज्य को भारत को सौंप दिया। 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 राज्य थे जो ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान में शामिल हुए। ये राज्य थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के एकीकरण की इतिहास में एक अलग अहमियत है जिसका पूरा विवरण इस वीडियो के दूसरे भाग में अलग से किया जाएगा। जूनागढ़ के शासक मोहब्बत खान, जिनका जिक्र पहले कुत्ता पालने के जुनून को लेकर हो चुका है, ने पाकिस्तान में शामिल होने की कोशिश की। चूंकि जूनागढ़ में सदियों पुराना सोमनाथ मंदिर था, सरदार पटेल इस बात को लेकर बहुत क्रोध में थे। जूनागढ़ के लोग भी आंदोलन पर उतर आए थे और इस कारण नवाब अपने 12 पसंदीदा कुत्तों के साथ कराची भाग गए। जनमत संग्रह अर्थात रेफरेंडम के बाद जूनागढ़ की 91% आबादी ने भारत में शामिल होने के लिए मतदान किया और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। हैदराबाद की रियासत एक बहुत बड़े क्षेत्र तक थी और हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली खान के पास हैदराबाद का लगभग 10% हिस्सा था, जिससे वह पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था। अपने धन के बावजूद निज़ाम बहुत ही कंजूस था और शायद ही कभी पैसा खर्च करता था। जब पटेल ने निज़ाम की स्वतंत्र रहने की इच्छा के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद का स्वतंत्र रूप से कार्य करना भारत के पेट में कैंसर को जन्म देने के समान होगा। हैदराबाद पर पकड़ जमाए रखने के लिए निज़ाम ने एक सेना बनाई
जिसके सैनिकों को रजाकार कहा जाता था। रजाकारों ने पूरे संघर्ष को केवल हिंदू मुस्लिम नज़रिए से देखा और सभी विरोधियों के अंदर डर पैदा करके हैदराबाद को निज़ाम के चंगुल में रखने के लिए कई हमले किए। उस्मान अली ख़ान ब्रिटेन के रूढ़ीवादी अर्थात कॉन्जर्वेटिव राजनेताओं जैसे कि इंपीरियलिस्ट विंस्टन चर्चिल के बीच अपने मंसूबों को लेकर समर्थन पाने में सक्षम थे। निज़ाम पर ये भी आरोप थे कि वो पाकिस्तान से हथियार इंपोर्ट कर रहा था। निज़ाम के विद्रोह का अभियान 13 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो तक जारी रहा, जब भारतीय सेना को हैदराबाद में भेजा गया था और रजाकार असली सैनिकों के सामने बहुत कमजोर पड़ गए थे। इस संघर्ष में लगभग 200 रजाकार और 40 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई और केवल 4 दिनों में ही सत्ता जब्त कर ली गई थी। यह बात अहम है कि हैदराबाद को भारत में शामिल होने में आजादी के बाद पूरे 1 साल लग गए थे और यह सितंबर 1948 में भारत के साथ एकीकृत हो पाया था। प्रिवी पर्स अर्थात वार्षिक भत्ता जो भारत की आजादी के समय राजकुमारों को दिया जाता था, उसे बाद में इंदिरा गांधी ने वापस ले लिया था। अपने राज्यों को खोने के बावजूद रियासतों के पूर्व शासकों में से कई शासकों ने महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा जारी रखा। निजाम एक प्रोविंस के गवर्नर बने और शाही परिवारों की कई वंश अभी भी सत्ता के पदों पर हैं। रियासतों का एकीकरण एक बहुत ही सहज प्रक्रिया थी। भारत के विभाजन के विपरीत रियासतों का एकीकरण इतनी कुशलता से किया गया था कि यह कल्पना करना मुश्किल है कि भारत में आजादी के समय 500 से ज्यादा रियासतें मौजूद थी। भारत के विभाजन की अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।